नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोशनी शर्मा और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। झाबुआ। सिवनी जिले के विकासखंड घनसोर में झाबुआ पावर प्लांट वर्ष 2011 में स्थापित किया गया था। स्थापना के समय स्थानीय जनता से प्लांट प्रबंधन द्वारा लुभावने वादे किए गए थे, जिससे जनता में प्लांट के प्रति आशाएं बढ़ गईं। प्लांट प्रबंधन ने शुरुआती दौर में क्षेत्र की जनता को विकास के बड़े बड़े सपने भी दिखाए। वक्त की रफ्तार में समय का पता ही नहीं चला और झाबुआ पावर प्लांट स्थानीय जनता के लिए सिरदर्द बन गया। अब इलाके के 6 गांवों में प्लांट से निकलने वाली राख कहर बन रही है। इन गांवों में कोई दमा तो कोई सांस बीमारी से परेशान है। जनता की परेशानियों से बेखबर प्लांट प्रबंधन खुले डंपरों से राख का परिवहन करने में मशगूल है। जमीन जो 5 फीट दूरी से डंपर निकल रहा है, पूरी फसल मेरी धूराम पुल रही है। कोई समस्या नहीं, कोई मेरे से बगैर पूछे थे ऐसे निकाले साहब। और एक दो बार हमने वो चंदू भैया से कहे, मकबूल से कहे, तो कहे हाँ तुम्हारे निष्काम दिला दें। और वो मार पिटाई भाई, जब से उनके दर्शन नहीं हो रहे, आ ही नहीं रहे हैं कोई। और जो मनमानी हो रहा सो हो ही रहा हो। हम छोटे से आदमी हम क्या करें साहब, हम अकेले गरीब आदमी क्या कर लें। अब भी मार पिटाई कर दे थे तो हम डरा रहे हैं हम लोग। बेटा खाना में बैठ रही है, पानी में बैठ रही है, मुंह में जा रही है, आंखी में जा रही है बेटा, सब फसल में जा रही है। सब परेशानी है, हम कुल में परेशानी। खा रहे हैं तो मुंह में राखड़ जा रही, जाए तो भर 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 उड़ रही है। तई खाद पियाते हैं, वही कुआं के पानी पियाते हैं, राखड़ वाली। हाँ बेटा। और भैया जी, मैं 10 बजे 11 बजे रात को खेत जा रहा था। और ये घर के सामने गाली बक रहे थे जी लोग। तो मैंने बोला रात्रि के समय भैया आप गाली न बको। फिर चंदू राय और मुकुल भाई जान जो ही हम आदर चौत कहकर पकड़ लिए और अंदर पटेल ने मारा। मैंने चिल्लाया दोनों बचाओ कहकर, मेरी पत्नी जयंती बाई और मेरी सारी सहद्रा बाई ये दौड़ के निकले और मेरा भनेज रघुनाथ जी ये दौड़े तो इनने बीच बेचारो करे, मार्शल ने बैठ हुए तीनों लोग भग गए। बस भैया जी, आखड़वारी गाड़ी बिना ढाके ये ले जाते हैं, जिससे हमारी जो फसल नज़दीक लगी हुई गेहूँ चना मसूर उसमें हवा के माध्यम से फसल के अंदर तक उड़ के जाती है और राखड़ बैठ रही है, जिससे हमारे जो फसल है उसकी बाढ़ मारी जा रही है। सिंचाई भी करते हैं तो वो ठीक से उसमें बाढ़ नहीं हो पा रही है और जो चना मसूर के जो फूल हैं वे भी ख़राब हो रहे हैं, उसमें फल फूल भी नहीं आ पा रहे हैं। और जो बाकी जो बंजर ज़मीन हमारी उसमें भी राखड़ बैठ रहा है तो वो भी बंजर होती जा रही है। और जो कुएँ का जो पानी है उसको भी हम कभी कभी हम पीने और खाने के उपयोग में ला लेते हैं, पर राखड़ उसमें भी जा रहा है तो वो भी पीने योग्य नहीं है वो कुआँ। रोजगार गारंटी के जो आज का जो दिन बुधवार का दिन है, आज हम हफ्ते सप्ताह का छुट्टी लेते हैं पूरे लेबर। तो यहाँ रोज जो लेबर आती पंचायत रोजगार गारंटी के अंदर जो लेबर आती है वे भी लंच लाते हैं 1 बजे, तो वो लंच लेबर के मतलब काम करने में भी दिक्कत है, आँख कान सब में राखड़ डस्ट उड़ता है। तो इस वजह से लेबर का जो मन है काम करने का वो ठीक से नहीं लगता। और जो लंच 1 बजे हम करते हैं लेबर के साथ छुट्टी पे, तो वो लंच में भी राखड़ जाके सीधे डायरेक्ट उसी में जाके बैठ जाता है, जिससे लेबर भी हमारे कहने के मतलब काम में लेबर मन नहीं लगाती, लेबर समय के अनुसार नहीं करती। और जो बिना हमारे 100 साल से ज़्यादा के जिस खेत के जो मेड़ थे उनको कम जो राखड़ वाले ठेकेदार के द्वारा जो उनकी जीसीबी में खोद के 100 साल के मेड़ खोद के उन लोगों ने बेजबरन किसान की बिना अनुमति के बिना उन लोगों ने सड़क बना ली और जो सड़क बना ली। सिवनी घनसोर से खबर समय जगत के लिए रघुवीर सोनी की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल।
एंड प्रेस द बेल आइकॉन।